नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 5 व्यक्तियों से अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 9,50,000 की धोखाधड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले 5 व्यक्तियों से अलग अलग विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर शैलेंद्र मांडले एवं खिलेंद्र जायसवाल द्वारा 9,50,000 की धोखाधड़ी की गई थी। दोनों आरोपियों को जांजगीर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 420-34 भारतीय दंड विधान कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पामगढ़ थाना प्रभारी सनत रात्रे ने बताया कि रामगोपाल दिनकर उम्र 27 वर्ष निवासी मेऊ का रहने वाला है। बताया कि शैलेंद्र मांडले उम्र 34 वर्ष जो कि मेरा रिश्तेदार है, घर पर आना जाना लगा रहता था। शैलेंद्र ने मुझे अपने झांसे में लेकर मार्च 2022 में स्वास्थ्य विभाग में वार्ड बॉय में नौकरी लगाने के नाम पर 3,00,000 रुपये दिया था, जिसके बाद मैंने अपने ही गाँव के और मेरे 4 दोस्तों को इसकी जानकारी दी, जिसमें सभी ने भी हमारी भी नौकरी लगाने को कहा, जिसके बाद मैंने शैलेंद्र मांडले को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वह अपने दोस्त शैलेंद्र जायसवाल के साथ आया और सभी से सरकारी विभाग के अलग अलग विभागों में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया, जिसमें नरेश टंडन उम्र 37 वर्ष निवासी मुकेश शिक्षक पद पर के लिए 1,50,000, 13 राम कुर्रे उम्र 64 वर्ष निवासी मेऊ से वार्ड बॉय की नौकरी के लिए 1,50,000 रुपये, राम गोपाल उम्र 27 वर्ष निवासी बुंदेला से फूड विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 1,50,000 रुपये, धर्मलाल अनंत से वार्ड बॉय में नौकरी लगाने के नाम पर 2,00,000। इस प्रकार कुल 9,50,000 की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। वहीं 5 माह बीत जाने के बाद भी नौकरी नहीं लगा पाया, जिसके बाद सभी के द्वारा बार बार पैसे की मांग की जा रही थी मगर पैसा नहीं दिया जा रहा था और बात को टाल मटोल किया जा रहा था। तभी एहसास हुआ कि हमारे साथ धोखाधड़ी किया गया है, जिस पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पामगढ़ थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोनों आरोपियों पर धारा 420-34 भारतीय दंड विधान कर विवेचना में लिया गया। आरोपी सुरेंद्र मांडले उम्र 34 वर्ष और खिलेंद्र जायसवाल उम्र 34 वर्ष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जांजगीर साइबर सेल के प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। यह था जो बाउंस हुआ है और वो कौन दिया था चेक? चेक मांडले और उनका साथी का नाम है, नाम भूल गया था, जायसवाल का, जायसवाल अपने नाम से चेक दिया था जो बाउंस हुआ है। कितना का चेक दिया था? 2,00,000 का दिया था और वो मेरे से नौकरी लगाने के नाम से 2,00,000 रुपया लिया था। अच्छा, क्या नौकरी मिला आपको? नौकरी नहीं मिला। आप क्या चाह रहे हैं शासन से? अब मेरा पैसा चाहिए मेरे को। क्या नाम है आपका? धर्मलाल अनंत। क्या समस्या लेते हैं? ESP साहब को 13 तारीख का नौकरी के ढांसा लेकर शैलेंद्र जायसवाल और धीरेन्द्र मांडले दोनों झूठ बोलते बोलते नौकरी के लिए 9,50,000 रुपये लेकर। कितने व्यक्ति से लिए हैं? 5,00,000, 5 जन व्यक्ति से सर। अच्छा, कितना कितना पैसा लिए? मेरा पास 3,00,000 लिया है और 13 राम कुर्रे का पार्ट 1,50,000 लिया है, राम गोपाल का पार्ट 1,50,000 लिया है, नरेश टंडन के लिए 1,50,000 लिया है और वो करना चाहिए बताना ला चाचा का नाल बतान राहुल वाला धारण अनम से 2,00,000 रुपया लिया था। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं शासन से? शासन से हमारा पैसा को वापस कर दे। ठीक है।